फ्रेंड्स, दिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बोंडा, जस्ट लाइक बटाटा वड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। आलू बोंडा बनाने के लिए मैंने 5 आलू, मीडियम साइज के आलू, उबाल कर मैश करके ले लिए हैं। 1 चम्मच लहसुन अच्छे से कद्दूकस करके लिए, 1 हरी मिर्च, 1 कटी हुई प्याज इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ले लिए, और 1 से 1.5 कप बेसन ऑयल। अब हम अपना आलू बोंडा बनाना शुरू करते हैं। अब हम पहले बेसन को अच्छे से छान लेंगे। मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। हमें बेसन का घोल बनाना है, हम इसलिए अच्छे से बेसन को पहले छान कर ले लेंगे। हमने अपना बेसन एकदम अच्छे से छान लिया है। अब हम बेसन में 1/4 टेबल स्पून हींग लेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, पिंच ऑफ हल्दी, 1 चुटकी हम मीठा सोडा डालेंगे इस तरह से। अब हम इसका एक गाढ़ा सा घोल बना लेंगे, ना ज्यादा गाढ़ा और ना ज्यादा पतला। इस तरह का हमें एक घोल तैयार कर लेना है। देखिए, ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ज्यादा पतला। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने रखेंगे, तब तक हम अपने आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने ये 4 से 5 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इन्हें अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें अपनी ये जो मैंने 1 प्याज काट के रखी हुई है ये डालेंगे, ये 1 हरी मिर्च, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और ये थोड़े से फ्रेश धनिया। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, हमारा मसाला एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसे भून लेंगे, गैस ऑन करेंगे। इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे, 2 ऑयल गरम होने देंगे, 2 अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब जो हमने ये लहसुन कद्दूकस करके ली थी वो ले लेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, अच्छे से क्रैकल होने देंगे। अब हमने जो ये आलू का मसाला बनाया है वो हम इसमें डाल के भून लेंगे। अब देखिए, हमारा आलू का मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसके आलू बोंडा बनाना शुरू करेंगे। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे इस तरह से। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, गैस ऑन कर लेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब ये जो हमने आलू का मिक्सर बनाया था उसके सारे बॉल्स इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हम इसका बोंडा बनाना शुरू करेंगे। एक एक इसको इस तरह से लेंगे, एक स्पून की सहायता से इसे इस तरह से ऑयल में इस तरह से छोड़ेंगे।
इसे हमें फुल आंच पर ही बनाना है। तरह से ऊपर की तरफ हम इसे और इसे और करेंगे जिससे कि ऊपर से भी अच्छे से पके। इसके बाद हम इसे अच्छे से पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक बनाएंगे। अब हमारे आलू बोंडा एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से किचन टॉवल पर निकाल लेंगे। अब हमारे आलू गोंडा एकदम रेडी हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, इसे टी टाइम स्नैक्स के तरह भी खा सकते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।